बचपन का वो हमारा वीडियो गेम खेलना और मारियो अंकल को इधर से उधर फेंकना, कैसे हम सिक्के चुराया करते थे और कैसे बड़े बन जाते थे, कैसे हम अपने स्टार लेते थे और अपने कॉइन बढ़ाते थे, कैसे अब इनके ऊपर उछल उछल कर मारते थे। उसके बाद का हमारा दूसरा गेम था मोटो जीपी, जैसे हम बाइक में घूम घूम कर एक दूसरे की लात मारा करते थे और खुश हुआ करते थे। अपनी बाइक को सबसे आगे ले जाना ही हमारा मेन मोटिव था। यह आता था भाई कॉन्ट्रा, जहाँ पर अपनी गन लेके एक दूसरे को मारने निकल जाते थे और अपने को फौजियों से कम नहीं समझते थे। उस समय अगर हम आउट हो गए तो ऐसा लगता था कि बस अब तो हमारी चांस ही चली गई। ये कुछ गेम्स थे हमारे बचपन के। ये आता था एथलीट, जिसमें हमें दूसरे कंपटीटर को हराना पड़ता था। भागते भागते हमें इतनी तेज दूसरे से आगे निकलना होता था, उस दौर ही कुछ और था। सर्कस में शेर के ऊपर बैठकर इन गोलों आग के गोलों को पार करना और इन चाय के कप के ऊपर से बचना एक अलग ही रोमांस हुआ करता था। कैसे हम इस खेल को जीतते थे और इसमें हम फर्स्ट आते थे। उसके साथ इस डॉगी से गन के थ्रू हम जब उन चिड़ियाओं को मारा करते थे। डक हंट इस गेम का नेम होता था। किस किसने खेला है, जिसने भी खेला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और उसके बाद आता था ये टैंक गेम, जिसमें हमारा सुपर टैंक रहता था, बाकी सारे टैंक ऐसे ही रहते थे जिनको हम मार मार कर भगा दिया करते थे। इसके बाद आता था हमारा गेम कार रेसिंग, जिसमें हमारा फ्यूल खत्म हो जाता था और हमें सबसे आगे निकलना होता था। तो हम जो टैंकर की गाड़ियां रहती थी जिनमें पेट्रोल भरा रहता था उनको पकड़ते थे और बाकी गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे निकल जाया करते थे। कार के साथ साथ हमने खेला है बाइक वाला गेम, जहाँ पर हमारे पास ये दीवारें आती थी, हमें इनको क्रॉस करना होता था विदाउट बाइक को गिराए हुए। अगर आपने भी ये गेम खेले हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर मेंशन कीजिएगा।